संबल योजना अंतर्गत मिले 2 लाख रुपया। खजुराहो में संबल योजना अंतर्गत ऐसे लोग जिनके परिजनन में से मृत्यु उपरांत शासन द्वारा दी जाने वाली संबल योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपया की शासन से मिलने वाली सहयोग राशि का भाजपा कार्यकर्तन के द्वारा उनके घर पहुंच के प्रदान करवाई गई। खजुराहो सांसद बीडी शर्मा के विशेष प्रयासन के चलत इन लोगों की संबल योजना अंतर्गत जो राशि मिलने थी वह कैकी कमलनाथ सरकार के आवे के बाद से रुक गई थी। ऐसी स्थिति में इन्हें पुनः संबल योजना के तहत लाभ दिलावे के लाने प्रयास करोगो और लगभग 8 परिवारन का ई योजना को लाभ दोगो है। ई अवसर पे भाजपा खजुराहो मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह परिहार, श्याम बाबू त्रिवेदी, संजय रेकवार, पप्पू अवस्थी अचनार, वीरेंद्र पांडे, नरेंद्र द्विवेदी, बिहारी रेकवार, खेलैया अहरवार, ब्रज गोपाल अवस्थी, शशि भूषण अवस्थी, रविन्द्र पाठक, पप्पू पाल, मनोज सिंह चंदेल, मोहिनी सेन, काजी कमर अली, छिकोरी साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता राजीव शुक्ला की खास रिपोर्ट। मंडल अध्यक्ष हैं आप खजुराहो से जी, अभी आज क्या क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? ये संबल योजना जो लोग खत्म हो गए थे उनके सांसद जी माननीय बीडी भाई साहब और राज्य नेतृत्व में संबल योजना के पैसा का वितरण किया गया, 2 लाख की। तो आज कितने लोगों को वितरित किया गया? 8 लोगों को। जो संबल योजना में जिनका श्रमिक पंजीयन था ऐसे हमारे बंधु हैं रज्जू रेकवार जी, इनकी इनका श्रम कार्डधारी है, इनकी पत्नी का निधन हो गया था और चूंकि ये संबल योजना में आते हैं इसलिए शासन इनको पैसा देता है, लेकिन पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने सारे श्रम कार्ड निरस्त कर दिए थे, इस कारण इनको ये लाभ तत्कालीन समय नहीं मिल पाया। जैसे ही शिवराज जी पुनः सरकार में कब मृत्यु हुई थी इनकी? दो वर्ष का समय हो गया है, लेकिन जैसे ही शिवराज सरकार फिर से आई उन्होंने सारे श्रम कार्ड बहाल किए और उस बहाली के कारण इनको इस योजना का लाभ मिला और भी लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा भविष्य में। ऐसे ही खबरें जानबे के लाने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की।